हेलो ऑल, मेरा नाम रवि है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट एमएल। मार्कडाउन के सीरीज में आज हम मार्कडाउन को आगे बढ़ाते हुए मार्कडाउन के कुछ और भी टेक्निक सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्कडाउन में लाइक आप जब टेक्स्ट लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसमें आप टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, टेबल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजेस कैसे अटैच कर सकते हैं, अपने कोड वगैरह कैसे पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टिक्स थ्रो कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है मार्कडाउन का, बेसिक्स मार्कडाउन, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम पहला देखेंगे कि अगर आपको कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, मान फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं, मान लो आई एम मोहित, एंड आई लिव इन इंडिया, राइट। और इंडिया को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप किसी को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो बोल्ड करने के लिए आप डबल एस्ट्रिक यूज करते थे, राइट। अभी इसको अगर आप चेंज करेंगे, यहाँ से कोड के जगह आप इसको मार्कडाउन करेंगे, देखो तो ये बोल्ड हो जाएगा, राइट। तो इससे भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये बोल्ड करने की टेक्निक है। अगर आपको इसको इटैलिक करना है तो आपको एक स्टार देना है, केवल एक स्टार से आप क्या हो जाएगा, देखो इटैलिक हो गया, राइट। ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी क्या करना है, हमें इसको हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ मैंने हेडिंग्स को हाईलाइट कर रखा है, राइट। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करना है आपको, इस टेक्स्ट से पहले, लाइक वर्ड के पहले जो भी आपको हाईलाइट करना है, यहाँ पे आपको बैक स्टिक्स देने हैं, तो ये देना है, लाइक आपको ये और ये, राइट। तो भी क्या होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, देखो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है। अगर इसको आप रन करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे इंडिया क्या आ रहा है, हाईलाइटेड फॉर्म में थोड़ा सा दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपको पूरे लाइन को ही हाईलाइट करना है तो आप इसके पहले पहले और लास्ट में क्या लगा देंगे, एक बैग स्टिक्स, देखो ये पूरा ही क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको वर्ड को या सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट लिखते हुए, राइट। कूल। अगला क्या है कि हम अगर आपको किसी का लिंक देना है, फॉर एग्जांपल आप कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आप अपने वेबसाइट के लिंक देना चाहते हैं, फेसबुक का लिंक देना चाहते हैं, अपने लिंक्डइन का लिंक देना चाहते हैं, तो लिंक कैसे देंगे, तो फॉर एग्जांपल आपको लिंक किसका देना है, फॉर एग्जांपल हमें गूगल का लिंक देना है, अगर तो गूगल जो हमें लिंक देना है, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में गूगल का लिंक, जिस चीज का आपको लिंक देना है तो गूगल का आपको लिंक दे देना है, ओके। तो इसके बीच में आपको देना है गूगल का लिंक, राइट। इसको हम दे देंगे क्या, लिंक, राइट। अभी इसको अगर आप रन करेंगे, मार्कडाउन करके इसको, तो क्या होगा, ये है जी लिंक, आपको गूगल, देखो गूगल की तरह ये लिंक तो बन रहा है, इस पर अगर आप क्लिक कर सकते हैं, राइट, ओके। देखो गूगल पे अगर आप क्लिक करेंगे अभी, तो क्या होगा, आप इसके लिंक पे जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, राइट। तो करना क्या, आपको छोटे ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपको जो
चाहिए, गूगल चाहिए तो गूगल, या क्लिक क्लिक हियर फॉर एग्जाम्पल देना, लिख सकते हैं आप क्लिक हियर ऐसे, मतलब आप लिंक दे सकते हैं और उसके बाद साइड में उसके छोटे ब्रैकेट में उसका जो लिंक होगा राइट, उस पर क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे जा सकते हैं आप राइट। तो ये क्या हो गया, हमने लिंक देना सीख लिया राइट। अभी क्या करना है, हमें टेबल बनाना है, कोई टेबल ड्रॉ करना है छोटा सा, मान लो एग्जाम्पल हमें टेबल ड्रॉ करना है किसी का नेम और रोल नंबर राइट। तो टेबल ड्रॉ करने का सबसे आसान मेथड है आपको ये, सिंपल टेबल की तरह बनाएंगे हम, मान लो हमें नेम चाहिए तो नेम हो गया, रोल नंबर चाहिए रोल नंबर हो गया राइट। अभी इसके अंदर ये टेबल की तरह आपको ड्रॉ करना है एक्चुअली राइट। नेम मान लो पहला है अजय, तो अजय के बाद रोल नंबर मान लो 01 राइट। ऐसे आप टेबल की तरह आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लो विकास 02, ऐसे ही आपका हम ड्रॉ कर सकते हैं एक टेबल राइट। अभी इसको अगर आप चेंज करेंगे, यहाँ से मार्कडाउन करेंगे तो देखिए, रन करेंगे इसको तो एज ए टेबल फॉर्म में आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं राइट। तो टेबल भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट है कि अगर आपको इमेज ऐड करना है, मान लो हमें इस सेल में ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करना है, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है, मैं आपको सबसे आसान बताता हूँ, एक मेथड बताता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर चाहिए तो एज ए इमेज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे मार्कडाउन। अभी अगर आप देखें एडिट पे जाएं तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट इमेज का, लेकिन अभी ये इनएक्टिव है क्योंकि अभी ये जो सेल है ये कोड फॉर्म में है। अभी इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, मार्कडाउन कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, अभी अगर जाएंगे यहाँ पे तो देखो इंसर्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, इमेज चूज करेंगे, मान लो हमने इमेज चूज कर लिया कैट का, ओके करेंगे, देखो ये आपको लिंक मिल रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पहले एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद जो इमेज आप ऐड कर रहे हो उसका नाम और उसके साइड में उसका अटैचमेंट के बाद उस इमेज का आपको क्या देना है पाथ, तो क्या होगा एज ए इमेज शो हो जाएगा। तो आप या तो कोड लिखें या यहाँ से जाके इस फॉर्म में इंसर्ट एडिट पे जाके और वहाँ से इमेज को ऐड कर लीजिए। अभी इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये कैट का इमेज आपको शो कर गया राइट। तो इस तरह से आप इसको भी लिख ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कोई कोड पेस्ट करना है, मान लो आपको डॉक्यूमेंट में अपने कोड को पेस्ट करना है, कोड को रन नहीं करना, आपको डॉक्यूमेंट में कोड को पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पाइथन कोड लिखता हूँ, मान लो 100 तक की संख्याओं का सम, तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स राइट, तो सम इज इक्वल टू 0 फॉर रेंज ओके, और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई एंड विल सम राइट ओके ओके। तो ये क्या होगा, आपको 1 से 100 तक की संख्याओं का सम प्रिंट करेगा राइट। देखो सम आ गया। अभी क्या कहिए, हमें इसको कोड को रन नहीं करना है, ये डॉक्यूमेंट पेस्ट करना है। तो अगर इसको आप अभी अगर क्या करें, अभी इसको अगर आप मार्कडाउन में चेंज कर दें कोड को, तो थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। रन करेंगे इसको, अब देखो इस फॉर्म में आ रहा है कोड, अभी आपको अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया कि पाइथन कोड है, मतलब ये रेडेबल नहीं है किसी भी ह्यूमन के लिए कि पाइथन कोड है कौन सा कोड है।
अभी हमें ये कोड के फॉर्म में चाहिए जिस तरह हमने लिखा है, तो क्या करना होगा, आप कोड के पहले क्या लगा दीजिए, तीन एस्ट्रिक साइन, एक दो तीन, और उसके पहले भी एक दो तीन, राइट, बैक एस्ट्रिक साइन लगाएंगे। देखो अभी देखो ये कोड की तरह जैसे आपने लिखा था वैसे ही क्या हो रहा है, शो कर रहा है। तो इस तरह से आप ये ही कर सकते हैं, राइट, कोड लिख सकते हैं। अगला क्या है, स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दिया किसी लाइन में, उसको कट करने की तरह आपको करना है। जैसे हम नॉर्मली कट करते हैं, तो मान लीजिए हमने कुछ लिखा, मान लो आई लिव एट प्लेस एक्स एक्स, मान लो अभी ये कुछ आपको इसको कट करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, आपको ये वाला साइन आपको लगाना होगा दो बार। अभी इसको अगर आप कोड करेंगे यहाँ से चेंज करेंगे, देखो ये कट हो गया, राइट, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने इतने सारे मार्कडाउन के ट्रिक्स देखे, लाइक आपको हाईलाइट कैसे करना है, हाइपरलिंक कैसे ऐड करने हैं, टेबल्स कैसे बनाने हैं, इमेजेस कैसे इंसर्ट करने हैं, कोड को पेस्ट कैसे करना है, उसके बाद स्टिक थ्रो, लाइक आपने कोई मिस्टेक किया तो उसको कट कैसे करना है, ये चीज़ें हमने देख लिया इस वीडियो में, राइट। तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।